तो करते हैं, खुद आप बॉडी बना रहे होंगे, इसके साथ साथ आपको अपने माता पिता, अपने भाई बहन, उन सभी की भी केयर करनी पड़ेगी, उनके हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने आज तक योगा नहीं भी की है तो आप इन योगा को सीख सकते हैं और अपने डेली के रूटीन में इन्हें फॉलो करके अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी आप बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो आप सभी के लिए काफी स्पेशल होने जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी, आपका परिवार सभी कुशल मंगल रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, फिट रहे, हिट रहे। तो दोस्तों आज का मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो आप सभी के लिए, दोस्तों ये जो वीडियो है स्पेशली जिम वालों के लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, और स्पेशली हमारे पेरेंट्स का। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा उन सभी के लिए, यो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने माता पिता के साथ या आपके भाई बहन रिलेटिव जो भी है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है, यदि कोई ऐसा चाहते हैं, कोई हेल्दी रहना चाहते हैं, और स्पेशली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, लड़का लड़की सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसी योगा शेयर करने जा रहा हूं। ये जो योगा है, यदि आपने आज तक योगा नहीं भी की है तो आप इन योगा को सीख सकते हैं और अपने डेली के रूटीन में इन्हें फॉलो करके अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी आप बना सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में काफी सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, यानी कि किसी का भी माइंड जो है रिलैक्स नहीं रहता है, तो यहाँ पर ये वीडियो उनके लिए भी बहुत स्पेशल है। और स्पेशली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए इसमें जो एक्सरसाइज है, यदि किसी के बॉडी में मोटापा है, अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, या किसी को कोई बीमारी है, या किसी को कोई कब्ज है, या किसी को गैस की कोई दिक्कत है, तो ऐसी काफी सारी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो लोग जिम में जाते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी भी योगा वाली एक्सरसाइज अपने जिम की एक्सरसाइज में जरूर इंक्लूड करें। दोस्तों तभी आपकी बॉडी के जो फेफड़े हैं, तभी वो बिल्कुल अच्छी तरह आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी बनेगी, जल्दी से आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ, एक पावर ऐसी बनी आएगी, जबरदस्त आपकी बॉडी में पावर होगी। तो बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों जुड़े रहे वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों योगा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक फिजिकली फिट रहना है, इससे आप मेंटली भी फिट होते हैं। तो आप सभी जुड़े रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप योगा वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। तो इसके लिए मैं आप सभी को कुछ एक एक्सरसाइज बताऊंगा, क्योंकि आपकी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस तरह कर सकते हैं, अपने हाथों को इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं, इस तरह करना है आपको, बेंड करना है आपको इस तरह, ये आपको बार बार करना है ताकि आपके हाथों में भी फ्लेक्सिबिलिटी आए और आपकी हड्डियाँ अंदर से वो मजबूत हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने शोल्डर के लिए आपको इस तरह एक्सरसाइज करनी है, इस तरह आपने रोटेट अपने शोल्डर को इस तरह घुमाना है, इस तरह अपने हैंड से इस तरह। नेक्स्ट आपको अपनी वेस्ट को आपने रोटेट करना है, ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी स्पाइनल के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आपके बैक के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसे भी आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी आई ट्रेनिंग आपको ये भी आपको करनी है, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। ये आपका अभी सिर्फ वार्म अप हो रहा है दोस्तों, ये जितनी भी एक्सरसाइज थी आपकी, ये बिल्कुल आपका अभी वार्म अप हो रहा है। और इसके साथ साथ आप लंबी लंबी सांसें वो भी आप ले सकते हैं, इनहेल एक्सहेल इस तरह करना है आपको, वो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, ऐसे ही आपको सांसें लेते रहना है। कुछ किक वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इस तरह आपको थोड़ा किक मारना है, इस तरह थोड़ा पाँव उठाना है ऊपर के लिए। और इसके साथ साथ आप थोड़ी सी आप रनिंग भी कर सकते हैं, हल्की सी आप रनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने नी को इस तरह बेंड भी कर सकते हैं, इस तरह करना है आपको, रोटेट क्लॉक की तरह करना है आपको, इस तरह देख सकते हैं आप। अब बातें हैं अपनी फर्स्ट योगा पे। फर्स्ट जो योगा मैं आप सभी से दिखाने जा रहा हूँ, फर्स्ट जो योगा होगी आपकी, इसमें
इसमें हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। दोस्तों सूर्य नमस्कार ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि इसके फ़ायदे की बात की जाए तो ये आपको इस तरह करना है। सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं किस किस तरह करना है आपको, इस तरह आपको परफॉर्म करना है। दोस्तों मैं आप सभी को इसमें इसके फ़ायदे बताऊँगा कि इससे आपकी बॉडी के लिए क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। नंबर वन, एक तो आपकी बॉडी का वेट लॉस होगा और दूसरा आपके जो जॉइंट है, जो मसल है, उसमें स्ट्रेंथ आएगी और इसके साथ साथ आपके बॉडी का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको ये अच्छा रखता है। और साथ ही साथ हमारे जो स्पाइनल वाला जो एरिया होता है, बैक का जो एरिया होता है, उसको भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ साथ हमारी हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, यो भी आपके वेट लॉस करने के लिए, आपके फैट लॉस करने के लिए। यदि किसी की बॉडी में फैट है तो वो यो एक्सरसाइज डेली आपको यो परफॉर्म करनी है। इसे आप बार बार कर सकते हैं, इस तरह ये आपको बार बार परफॉर्म करनी है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। सेकंड जो एक्सरसाइज है आपकी वो है आपका पवन मुक्त आसन। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है, दोस्तों इसका जो फ़ायदा मिलेगा आपकी बॉडी के लिए, यदि किसी का बेली फैट है उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, काफ़ी अच्छी योगा है। तो इस तरह आपको यो परफॉर्म करनी है। ब्रीथ, जब भी आप ऊपर को आप इस तरह होल्ड कर रहे हैं तब आपको ब्रीथ इस तरह इनहेल करना है और जब आप नीचे को आएंगे तो आपको ब्रीथ एक्सहेल करना है। तो इस तरह करना है आपको। अब थर्ड जो योगा है आपकी, थर्ड जो आसन दिखाने वाला हूँ मैं आपका, वो है आपका मरकट आसन। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। यदि किसी की स्पाइनल में दिक्कत रहती है या किसी की बैक में प्रॉब्लम रहती है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसे भी आप इस तरह आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह करना है आपको, लेफ्ट राइट इस तरह बिल्कुल स्लोली करनी है आपको यह एक्सरसाइज। जब भी आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जब भी आप इस आसन को कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से करनी है आपको। आपकी ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज है, ये काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइज है आप सभी के लिए। मैं आप सभी को बताता हूँ अभी। इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्म चैंटिंग आपका, ये आपको इस तरह आपको बिल्कुल अपने आसन में इस तरह आपको बैठना है आराम से और आराम से आपको सांस लेते रहना है। अपने बिल्कुल आराम से आपने इस तरह आपने ब्रीथ लेते रहना है और बाहर छोड़ते रहना है। इनहेल एक्सहेल इस तरह आपको करते रहना है। तो ये हो गया। अब सेकंड जो एक्सरसाइज है आपकी वो है आपका भस्त्रिका आसन। दोस्तों भस्त्रिका आपका जो आसन है इसको आपने किस तरह करना है, ये आपको डीप आपको ब्रीथिंग लेनी है। इस तरह आपको करना है, डीपली आपको ब्रीथ लेना है। क्यों, क्या करेगा आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। दोस्तों जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तब आपकी बॉडी में कोई भी आपकी बॉडी में ऐसे रोग कुछ भी नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वो है आपका कपालभाति। कपालभाति आपका जो एक्सरसाइज है इसको आपने, कपालभाति आपका जो योगा है, इस तरह आपको सबसे पहले आपको बिल्कुल आराम से बैठना है, आप डीपली आपको सांस लेना है और इस तरह आपको सांस लेना है। यो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म उसको अच्छा रखता है। यदि किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है या किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है या किसी के माइंड में स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहते हैं, तो उन लोगों के लिए यो काफ़ी अच्छी है और इसके साथ साथ आपके स्टमक के लिए भी यो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। दोस्तों नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वो है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको किस तरह करना है, इस तरह करना है आपको, बिल्कुल आराम से आपको करना है। अनुलोम विलोम के जो फ़ायदे हैं आपकी बॉडी के लिए, एक तो यो हमारे फेफड़ों के लिए काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। किसी का पाचन तंत्र यदि अच्छा नहीं रहता है, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन देती है हमारी बॉडी के लिए। जब भी आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं इस तरह करना है आपको, अपने हाथ का अंगूठा आपको इस तरह रखना है एक साइड और फिर दूसरी साइड इस तरह करना है आपको, और डीप आपको ब्रीथ लेनी है इस तरह, फिर आपको इनहेल एक्सहेल इस तरह आपको करना है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह, दोनों हाथों को इस तरह रगड़ना है आपको और इस तरह अपनी आंखों में लगाना है, फिर इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इससे आपके जो आई का जो विज़न है वो उससे इम्प्रूव होता है, आंखों की रोशनी पर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो इस तरह करना है। और नेक्स्ट जो आसन है आपका वो है आपका नौकासन। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है इसे बोट पोज भी कहा जाता है।
यदि किसी का टमी फैट निकला हुआ है, बेली फैट निकला हुआ है, एब्डोमिनल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो यह एक्सरसाइज आप सभी के लिए। इस तरह आपको होल्ड करना है। लास्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, वो है आपका शवासन। आपको बिल्कुल ज़मीन पर आपको इस तरह लेटना है, बिल्कुल अपने मैट पर बिल्कुल सीधा लेटना है आपको। इससे आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी, आपका माइंड, आपका पूरी बॉडी बिल्कुल आपकी अच्छी तरह से वो रिलैक्स होगी। तो इस तरह आपको लेटना है, तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरह करनी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए इस योग दिवस पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, ताकि सभी तक यह वीडियो जरूर पहुंचे। और इसके साथ साथ यदि कोई अपनी बॉडी में और इसके साथ साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में ये कमी है, मुझे ऐसे कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए मेरे पास आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है आप सभी के लिए। यदि आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, और स्क्रीन पर भी आप सभी को दिख रहा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको ऐसा कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट चाहिए किसी के लिए भी। तो बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।